Hey guys, Nawazira from TheNerdHound.com और ये है The Boys Season 2 Episode 3 का recap। पिछले episodes के recap के लिए description box में दिए गए links को check करें। Boys एक boat में बैठकर उस सूप टेररिस्ट को Mallory के बताए location पर ले जा रहे हैं। यहाँ बुचर ह्यूई को सॉरी बोलने की कोशिश करता है, जिसके बदले ह्यूई उसे एक निहायत ही बेजान पंच मारता है। फिर बुचर मैलरी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो बस अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, और अगर रास्ते में किमिको ने अपने भाई का साथ देने की कोशिश की तो वो उसे भी ठिकाने लगा देगा। बुचर की ये सारी बातें पीछे खड़ा फ्रेंची सुन लेता है, बट बुचर इससे वादा करता है कि उसने ऐसा बस मैलरी का मन रखने के लिए कहा है। फोन पर मैलरी किसी लिबर्टी सुपर हीरो के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में बुचर को भी कोई आइडिया नहीं होता। किमी को जाकर नीचे अपने भाई से मिलती है। उसका भाई चाहता है कि किमी को उसकी यहाँ से भागने में मदद करे। ऑब्वियसली किमी को इस बात से इनकार करके वहां से चली जाती है। वार्ड के हेडक्वार्टर्स में एक राइटर सूप्स के सामने अपनी मूवी की स्क्रिप्ट पेश करता है, अ डॉन ऑफ द सेवन। यस यस, सही सोच रहे हो आप। पोस्टर का डिजाइन और नाम दोनों बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का रिप ऑफ है। सॉन्ग फ्रेंड अपने यूजुअल अंदाज में राइटर के मजे लेने लगती है कि तभी अचानक एशली को कोई इमरजेंसी कॉल आता है। एशली टेंशन में जाकर एडगर से मिलती है, जो इसे बताता है कि इस खबर के बारे में होमलैंडर को कुछ मत बताना। उसे ये तभी पता चलेगा जब एडगर चाहेगा। जब ये सब चला था तब होमलैंडर आराम से बैठा अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो वो शॉकिंग न्यूज ये है कि सारी दुनिया को अब कंपाउंड वी की सच्चाई पता चल गई। सुपर हीरोज कोई ऊपर वाले की देन नहीं, बल्कि वॉल्ट का बनाया एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। और बस इस खबर के वायरल होते ही दुनिया में हल्ला मच जाता है। एट्रेन समझ जाता है कि इसके पीछे स्टारलाइट का हाथ है। जैसे ये खबर डीप को पता चलती है, वो अपने डिप्रेशन में और डूब जाता है। मतलब जिस जिंदगी को ये ताने मार रहा था, वो कोई कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि मैन मेड फ्लॉ है। और फिर से इसका कैरल के सामने जबरदस्त ब्रेकडाउन होता है। सरप्राइजिंगली इस न्यूज को सुनकर ब्लैक नोवार भी फूट फूट कर रोने लगता है। चल क्या रहा है इसके साथ? ये शोरनर्स कहीं हम फैन को जबरदस्त ट्रॉल तो नहीं कर रहे? एनीवेज, ये खबर सुनते ही बुचर को छोड़कर सारे बॉयज खुशियां मनाने लगते हैं। ह्यूई इस बात से बहुत खुश है कि उसने और स्टारलाइट ने मिलकर फाइनली कुछ बड़ा कर दिखाया। मतलब वो कमजोर और यूजलेस नहीं है। बट बुचर इस न्यूज को काफी लाइटली लेता है और इन्हें बताता है कि ये सेलिब्रेशन छोड़ो और बोर्ड पर ध्यान दो। होमलैंडर अपने बच्चे के अंदर का सुपर हीरो बाहर लाने उसे छत से नीचे फेंक देता है। ये देखकर बेगा काफी गुस्सा होती है, जिसके बाद होमलैंडर चिढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी मम्मी को बचाने रायन होमलैंडर को जोर से धक्का देकर बोलता है कि मुझसे और मेरी मम्मी से दूर रहना। मतलब अब उसके अंदर का सुपर हीरो भी बाहर आ गया। मिशन फेल्ड सक्सेसफुली। फ्रेंची थोड़े चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर किमिको के भाई से मिलने जाता है। तो फ्रेंची को इन दोनों की स्पेशल साइन लैंग्वेज सीखनी है ताकि वो किमिको के साथ थोड़ा बात कर सके, बट किमिको के भाई को उसे कुछ नहीं सिखाना। जिसके बाद फ्रेंची वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक साइड में रखकर वहां से चला जाता है। इसके जाते ही वो सुपर टेररिस्ट अपनी उंगली की मदद से उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को तोड़कर ब्लेड बनाता है, ताकि इसकी मदद से वो अपने हाथों पर लगी डक टेप को काट सके। फिर वहां पर मिसिंग बोट की तलाश में पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है। अपेरेंटली बुचर ने यह बोट कहीं से चुरा ली थी और ये लोग इसे ही ढूंढने यहां तक आ गए। इससे पहले कि बॉयज इस मैटर को हैंडल करें, किमिको का भाई उस हेलीकॉप्टर को पानी में क्रैश कर देता है और सारे वहां से भाग जाते हैं। ह्यूई ये देखकर परेशान होता है कि शायद उन्होंने अभी अभी कुछ मासूम पुलिस ऑफिसर्स की जान ले ली। होमलैंडर वापस आकर मियो को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेता है, बट फिर मियो उसे कंपाउंड व्यू की न्यूज बताकर टॉपिक को चेंज कर देती है। स्टैन एडगर जाकर सेवन को मोटिवेशनल स्पीच देने की नाकाम कोशिश करता है, बट फिर होमलैंडर इसकी बात को काट कर बोलता है कि वॉर्ड को अपने सुपर हीरो की कुछ नहीं पड़ी, उन्हें बस अपना प्रॉफिट और बिजनेस ही प्यारा है। अगर सेवन को सर्वाइव करना है तो उन्हें एक साथ फैमिली की तरह रहना होगा। वॉर्ड गया भाड़ में। कैरल डीप को शांत करके समझाती है कि उसकी थेरेपी पूरी हो गई, मतलब अब ये सेवन को ज्वाइन करने के काबिल हो गया है। उस हेलीकॉप्टर वाले हादसे के बाद किमिको का भाई अब इनके कंट्रोल में आ गया, और फिर मैलरी लोकेशन चेंज करके बॉयज को CIA के सेफ हाउस आने के लिए कहती है। रास्ते में इनका सामना डीप और उसकी मछलियों से होता है। डीप किनारे पर अपनी वेल पार करके बॉयज का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, बट बुचर बोट को लेकर सीधा उस वेल के आर पार निकलता है। जब डीप अपनी मछली की मौत का दुख मना रहा था, तभी मौका देखकर बॉयज वहां से भागकर सामने वाले टनल्स में घुस जाते हैं। थोड़ी देर में सेवन भी इनका पीछा करते हुए यहां पर पहुंच जाते हैं। यहां स्टारलाइट के साथ थोड़ी अनबन के बाद होमलैंडर डीप के गिल्स का मजाक बनाता है। अंदर टनल्स में बॉयज की तलाशी लेते वक्त ए-ट्रेन का स्टैमिना अब जवाब देने लगा है। फिर स्टारलाइट और होमलैंडर ह्यूई को ढूंढ लेते हैं, जहां होमलैंडर स्टारलाइट को ह्यूई को मारने का ऑर्डर देता है। या तो इसे मार दे या तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी वहां पर बुचर आकर होमलैंडर का ध्यान भटकाता है, और किमिको का भाई अपनी पावर की मदद से होमलैंडर को मलबे के नीचे दबा देता है। बॉयज की मदद करने के बाद ये मौका देखकर वहां से भाग जाता है, और किमिको उसे लेने उसके पीछे भागती है। इधर बुचर और ह्यूई फाइनली फिर से दोस्त बन जाते हैं। ये स्टॉर्म फ्रंट किमिको और उसके भाई का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढ लेती है, और ये इसके रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स और ह्यूमन सबको तबाह कर देती है। दीदी लगता है फेमिनिस्ट भी है,
और रेसिस्ट भी। स्टॉर्म फ्रंट किमिको की आंखों के सामने उसके भाई को मार देती है। इस सीन में हम समझ जाते हैं कि ये भी होमलैंडर की तरह ही एक साइको सूप है। आई थिंक होमलैंडर से भी दो कदम आगे है दीदी। एंड सीन में एडगर मीडिया के सामने जाकर कंपाउंड वी का सारा इल्जाम मेडलिन के सर पर डाल देता है और स्टेटमेंट देता है कि वो और वॉट इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। वॉट अब खुद इंटरनल रिसर्च करके सारी सच्चाई पता लगा लेगा। इतना बोलकर एडगर मीडिया का सारा अटेंशन स्टॉर्म फ्रंट पर डाल देता है। ऑब्वियसली ये देखकर होमलैंडर काफी गुस्सा है। जली ना, तेरी भी जली ना। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।